दोस्तों, तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ तांडव वेब सीरीज के बारे में। आप सबने तांडव वेब सीरीज तो देखी ही होगी। तो ये वेब सीरीज रिलीज हुई अमेज़ॉन प्राइम पे। इसके डायरेक्टर थे अली अब्बास जफर और जिन्होंने वो सीन फिल्माया वो थे जिशान अयूब। तो दोस्तों, इस सीन से पब्लिक दो विंग्स में बढ़ गई, लेफ्ट विंग और राइट विंग। लेफ्ट विंग वाले कहते हैं कि सीन में कुछ खराबी नहीं है, जबकि राइट विंग वाले कहते हैं कि इन्होंने हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है, हिंदुओं के भगवान का मजाक बनाया है, जैसे शिवजी और राम जी का। तो चलिए मैं आपको वो सीन दिखाता हूँ, उसके बारे में बात करेंगे। भोलेनाथ, प्रभु, ईश्वर, ये राम जी के फॉलोअर दिन बर दिन सोशल मीडिया पे बढ़ते ही जा रहे हैं। मुझे लगता है हमें भी कोई नई सोशल मीडिया स्ट्रेटजी बना लेनी चाहिए। क्या करूं, नई फोटो लगाऊं? भोलेनाथ, आप बहुत ही भोले हैं, कुछ नया कीजिए। इनफैक्ट कुछ नया ट्वीट कीजिए, कुछ सेंसेशनल, कोई भड़कता हुआ शोला, जैसे कि हाँ, कैंपस के सारे विद्यार्थी देशद्रोही हो गए, आजादी आजादी के नारे लगा रहे हैं। आजादी जब मैं सोने गया था तब तक तो आजादी कूल चीज होती थी, अब बुरी हो गई क्या? नारायण नारायण। हाँ भाई, किस चीज से आजादी चाहिए तुम लोगों को? भुखमारी से, सामंतवाद से, जातिवाद से, जनजातियों से। मतलब देश से आजादी नहीं चाहिए, देश में रहते हुए आजादी चाहिए। भाई इनको समझाओ ना कि जियो, लेकिन हमें भी तो जी। तो दोस्तों, आप देख ही सकते हैं इन्होंने कैसे अपने भगवान का मजाक बनाया है। लोग इसकी बैन की गुहार कर रहे हैं कि इसको बैन किया जाए। पहले पीके मूवी में भी इसी प्रकार भगवान शिव का मजाक उड़ाया गया था, उस पर भी कुछ कार्रवाई नहीं होती। तो अब हमको कुछ ऐसा सख्त कानून बनवाना पड़ेगा जिससे हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत ना किया। अब साउथ की मूवी तो देखते ही होंगे, उसमें भगवान को कैसे दर्शाया जाता है, उसमें हिंदुओं के बारे में बहुत ही अच्छा बताया जाता है, जबकि बॉलीवुड बहुत ही गंदगी फैला रहा है हिंदुओं के बारे में। तो हमें उसके लिए कुछ सख्त कानून बनवाने पड़ेंगे। तो आपकी इसके बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।